नमस्ते दर्शकों, फैक्ट क्रेसेंडो के फैक्ट फाइल्स में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव शुरू होंगे। चुनाव के इस गर्म माहौल में भाजपा सांसद रवि किशन सुर्खियों में आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक दलित के घर खाना खाया। इसके बाद उनका एक कथित वीडियो वायरल करके दावा किया जा रहा है कि उन्होंने दलितों का अपमान करते हुए बोला है कि दलित का पसीना कितना बदबूदार है। हमने इस वीडियो में हो रही बातचीत को सुना। ये लोग भोजपुरी भाषा में बात कर रहे हैं। उसमें पहले एक शख्स कहता है कि ये जनता कहाँ गई सारी। फिर रवि किशन कहते हैं कि तुम लोग इतने सब लोग भर दिए हैं गाड़ी में। उस पर दूसरा शख्स बोल रहा है कि हम इसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप ही के पीछे दौड़ते हुए आए और इसमें बैठ गए, बाकी लोग बाद में आएंगे, हम दो तीन लोग इसी में है पहले से। फिर रवि किशन कहते हैं, तुम लोगों का पसीना ऐसा महक रहा है ना, क्या बोले। फिर तीसरा शख्स कहता है कि अब क्या बताए रवि भैया, कन्हैया भैया के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं। उस पर रवि किशन कहते हैं, तो क्या मुझे ही सब सुनगाओगे, बंद करिए वीडियो। इस संवाद में कहीं पर भी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। YouTube पर कीवर्ड सर्च करने पर पता चला कि यह वीडियो दो सालों से इंटरनेट पर मौजूद है। 17 मई 2020 को लाइव हिंदुस्तान के चैनल पर हमने रवि किशन का स्पष्टीकरण देखा। उन्होंने इसमें बताया कि यह वीडियो 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रचार के समय का है। तब वे सांसद नहीं थे और गाड़ी में जो लोग बैठे हैं वे उनके कार्यकर्ता थे और उनके साथ वे मजाक मस्ती कर रहे थे। जांच के दौरान हमें रवि किशन का यह स्पष्टीकरण वाला वीडियो उनके पूर्व सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर उमेश जोशी के ट्विटर हैंडल पर भी मिला। फिर हमने सांसद रवि किशन के पर्सनल सेक्रेटरी गुड्डू पांडे से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि इस वीडियो को देखने पर आपको समझ आएगा कि इसमें दलितों के बारे में बातचीत नहीं की जा रही। उन्होंने उनकी बातचीत में दलित का जिक्र भी नहीं किया। ये वीडियो पुराना है और एक सभा से लौटते हुए वे अपने करीबी लोगों से मजाक मस्ती कर रहे हैं। तो तथ्यों की जांच के पश्चात हमने पाया कि वायरल हो रहे वीडियो के साथ किया गया दावा गलत है। इस वीडियो में सांसद रवि किशन और उनके साथी दलितों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि ऐसे वायरल वीडियो पर भरोसा ना करें, पहले इनकी जांच कर ले। और भी अधिक ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट factcrescendo.com को विजिट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।